एक तरीके की। टेंशन, टेंशन अराउजिंग ऑफ व्हाट, किससे उत्पन्न होती है? अभी कुछ जब मैम जब मैम हम लोग हमको कोई चीज मैम जब नहीं कर पानी, हम लोग असक्षम हो जाते हैं, हमसे कोई चीज हम नहीं हासिल हो पाती, तो मैम उसमें एक अंदर से गुस्से के साथ मैम नहीं, एक फ्रस्ट्रेशन जो निकलती है उस समय, मैम उससे कोरिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और कुछ बताइए। मैम कभी कभी हम जो करना चाह रहे थे नहीं हो पाता, फिर अगल बगल जो मिलता है उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल लेते हैं। मैम वी कैन ऑल्सो फ्रस्ट्रेट बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। बिकॉज ऑफ व्हाट? टायर्डनेस। टायर्डनेस। इफ यू आर रियली मोटिवेटेड यू डोंट फील टायर्ड। वो आपने नाम सुना किसने बल्ब बनाया था? शायद एडिसन। 600 बार फेल, 600 थॉमस एल्वा एडिसन 600 बार फेल हुए पर ही वाज नॉट टायर्ड। अ मोटिवेटेड पर्सन इज नेवर टायर्ड। जहां मोटिवेशन धीमा पड़ता वहां टायर्डनेस आती है। आप बताइए, जब एग्जाम होते हैं आप कितने घंटे सोते हैं? पढ़ते समय क्या टायर्डनेस लगती है? नहीं लगती है। अरे यू आर मोटिवेटेड। मैम बहुत नींद भी आती है। नींद भी आती है, वो भी आता है, लेकिन आप सोते नहीं है ना, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड, तो आप एक्शन में लगे रहते हैं। और अच्छा, कभी सोचा कैसे फ्रस्ट्रेशन दूर कर सकते हैं? मैम हमारी तो गाना सुन के हो जाती है, दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पसंद के सॉन्ग सुन लो। यस मैम। वेरी गुड। बहुत तो लोगों की हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, इतनी सरलता से हो जाए। और हम अपना माइंड डाइवर्ट करके जो हमको पसंद हो उसकी तरफ अपना माइंड लगा के उसको फ्रस्ट्रेशन जा सकती है। हाँ, क्योंकि सारी दुनिया की फितूर का कारण तो दिमाग है। अगर दिमाग को फ्रस्ट्रेशन से हटा दिया तो फ्रस्ट्रेशन खत्म। ठीक, ऐसे ही तो मतलब है। और क्या क्या करते हैं आप लोग फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए? एंगेज करते हैं जब अपने आप को प्रेयर में, किसी में, अपने को किसी सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी में लगा लेते हैं जिससे ध्यान ना जाए। बात तो वही है, माइंड डाइवर्ट करना और किसी अन्य एक्टिविटी में लगा लेना। अब कैन एनी वन ऑफ यू डिफाइन व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? इसको मोटिव से लीजिएगा, मोटिवेशन से आएगा फ्रस्ट्रेशन। मोटिवेशन याद कीजिए, क्या पढ़ा था आपने? मोटिवेशन क्या होता है? गोल डायरेक्टेड होता है, होता है। और हम हर हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। मोटिवेशन की क्वालिटी है परसिस्टेंस, वेरिएबिलिटी, एंड वी आर टेंस टिल वी अचीव अवर गोल। ओनली आफ्टर अचीविंग आवर गोल वी फील रिलैक्स्ड। यही तो है मोटिवेशन की क्वालिटी। तो फेलियर क्या है? व्हाई फ्रस्ट्रेशन? देखिए, वो इमोशनल टेंशन जो हमारे लक्ष्य के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है, उन्हें हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। हमारे लक्ष्य के मार्ग की बाधाएं जो हैं, जो हमारे अंदर इमोशनल टेंशन पैदा करती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन है। आई बात समझिए, मैं तो हमेशा मानती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन जैसे आपने पानी के जहाज देखे तो सुनते हैं वो 100 टन लाद सकता है, वो 1000 टन लाद सकता है, वो 50 टन लाद सकता है ना। सबकी अलग अलग स्ट्रेस टॉलरेंस, वो वेट कैरिंग कैपेसिटी है। उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अपनी
फ्रस्ट्रेशन बियरिंग कैपेसिटी है, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन डज इंड्यूस सैडनेस, स्ट्रेस, वो सब आता है उसमें. तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है. अच्छा देखिए, लाइफ कितनी इजी होती अगर हमारे जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं, जो हमारी मोटिवेशन से सब आसानी से पूरे हुए थे, तो फ्रस्ट्रेशन का नाम ही नहीं होता है? सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्या होता है कि वॉट एवर यू डिजायर वो सब पूरा नहीं होता. बहुत सारी बातों में आप देखते हैं कि बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं. कभी वो बाधाएं आपके व्यक्तिगत प्रयास में होती हैं कि आपने अपेक्षित प्रयास नहीं किया, आपने उतना परिश्रम नहीं किया. और कभी कभी वातावरण में ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच ब्लॉक योर गोल. तो द प्रोसेस ऑफ अचीविंग योर गोल इज ब्लॉक्ड बाई सोशल कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस, एज वेल एज बाई योर ओन कॉज. बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें करना है, और हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं मेहनत करते हैं, और रिजल्ट में जब हमको फ्रस्ट्रेशन मिलता है, फेलियर मिलती है, तो वी फील फ्रस्ट्रेटेड. अच्छा देखिए, जब हम फेल होते हैं तो क्या सिचुएशन क्या हमसे डिमांड करती है? हमसे एडजस्टमेंट डिमांड करती है. फेल हुए तो कैसे उससे एडजस्ट करें, और फेल हुए तो वो परिस्थिति से एडजस्ट करना है. एंड फेल होना मीन्स अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. तो समटाइम्स मैं एक बात तो कहूँगी कि आपने भी पाया होगा कई बार फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में आप बहुत अच्छा काम करते हैं. कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो आप इतनी जल्दी से रास्ता निकालते हैं और उस काम को कर लेते हैं फ्रस्ट्रेशन में. अब देखो, अगर सोचो कि एक फेलियर, दो फेलियर, तीन फेलियर, चार फेलियर, पाँच फेलियर, छः फेलियर, हम छः तक पहुँचे, तुम लोग थक गए सुनते सुनते, हम बोलते बोलते थक गए. सोचो टी ए एडिसन 600 बार ही ट्राइड और वो निराश नहीं हुआ, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ. ईच टाइम ही थॉट कि ही मूव्ड अ स्टेप अहेड टुवर्ड्स हिज गोल. अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि फेलियर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स सक्सेस है. तो कुछ लोगों को तो फ्रस्ट्रेशन एकदम तोड़ देता, परेशान कर देता, पर कुछ लोग तो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन बहुत प्रोडक्टिवली, बहुत क्रिएटिवली वर्क करते. अब ये आप सभी जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन इज अ नेगेटिव फीलिंग, बहुत प्लेजेंट नहीं होता. आप कितना भी काम कर रहे हो पर अगर आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं, आपका मोटिवेशन ब्लॉक हुआ है, तो यू विल नॉट फील हैप्पी. ये बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है. यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट अदर्स, अबाउट योर सेल्फ, और ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा हो जाती है. अब मोटिवेटेड बिहेवियर की जो विशेषताएं थी, थोड़ी तो फ्रस्ट्रेशन में भी है करेक्टरिस्टिक्स, कि रेस्टलेसनेस होती है जब तक उसे गोल ना मिल जाए. आप जानते हैं प्यासे को पानी ना मिले तो रेस्टलेस रहेगा, वो सॉन्ग नहीं इंजॉय करेगा. आकृति जी कह रही थी हम गाना सुनते हैं तो सब फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है. जिस समय प्यास लगी हो, आगे पीछे पानी ना हो, भूख लगी हो, खाना ना हो, उस समय गाना आप नहीं सुन पाएंगे मैडम. तभी तक सुनती हैं जब तक आपकी नीड उतनी इंटेंस नहीं, उसके बिना गुजारा चला सकती. इसके अलावा ये होता है कि जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक है, उस फ्रस्ट्रेशन में एग्रेशन होता है. तो एग्रेशन किसकी तरफ होता है? टुवर्ड्स द पीपल, ऑब्जेक्ट्स विच हैव ब्लॉक्ड योर गोल. वो व्यक्ति, वो वस्तु जिन्होंने आपके लक्ष्य को बाधित किया है, उनके प्रति आपको क्रोध आता है. चाहे वो आपके टीचर हो, मैंने अच्छे नंबर नहीं आए, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, अच्छे नंबर नहीं आए, फादर ने बुक्स नहीं दिलाई, अच्छे नंबर नहीं आए, मदर ने घर का काम कराया, अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे फ्रेंड ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया, हर समय अपनी प्रेसिंग नीड्स लेके खड़ा रहा. तो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में एग्रेशन होता है,
और ये एग्रेशन कवर कभी कभी तो हमारे दूसरे लोगों के प्रति होता है जिनको हम रिस्पॉन्सिबल समझते हैं हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा होने के, और कभी कभी हमारा अपने प्रति भी होता है कि मैंने अपेक्षित मेहनत नहीं की, मुझे जो करना था मैंने नहीं किया, मुझसे बहुत गलती हुई, मैंने लापरवाही की, इस तरह की बातें आपके मस्तिष्क में आती हैं। तो एग्रेशन टुवर्ड्स सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर्स फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रेशन हमारे अंदर है और दूसरे के प्रति है और हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं उस एग्रेशन को हम इनडायरेक्ट वे से निकालते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि बीवी ने डांटा, ऑफिस गए, अपने जूनियर को डांटा, जूनियर ने अपने जूनियर को डांटा, उसने अपने जूनियर को डांटा, उसने अपने जूनियर को डांटा, लास्ट में क्या हो गया कि जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, चपरासी है, उसको डांट पड़ गई। अब उस ऑफिस में है तो टेंशन कहाँ निकाली, वो जाते जाते एक कुत्ता जा रहा था उसको एक डंडी मार दी, फ्रस्ट्रेशन अपना एग्रेशन रिलीज कर लिया उसने, भाई बात सब। तो एग्रेशन कभी तो हम डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट पे दिखाते हैं, और कभी अगर वो बहुत पावरफुल है और मुसीबत में फंसने की संभावना हो तो हम इनडायरेक्टली किसी और चीज पे निकाल देते हैं। इसके अलावा जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हमारा अपने प्रति भी बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, और लोगों के लिए भी जिनको हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उनके प्रति भी हमारा बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हमारे व्यवहार में जो एक मोटिवेटेड बिहेवियर में एक विशेषता थी ना, वेरिएबिलिटी, परसिस्टेंस, हम बार बार अपने व्यवहार को बदल बदल कर सक्सेस की ओर जाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं उसकी लक्ष्य की प्राप्ति में। लेकिन जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम स्टीरियोटाइप बिहेवियर करते हैं, एकदम घिसा पिटा रूढ़ी बात जो पहले करते रहे उसी तरह का एक्शन करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करते। अब जब फ्रस्ट्रेशन आता है एक तरीका तो ये है कि हम दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, डे ड्रीम करने लगते हैं, अब हम फेल हो गए, या हम एक डिबेट में प्राइज लाना चाहते थे और हमें नहीं मिला, तो अब हम क्या करें कि भाई अब तो नहीं मिला कोई बात नहीं, अब हम बैठ के ऐसे सपना देख रहे हैं कि आई गॉट अ प्राइज, आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन स्टेट लेवल डिबेट, और लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लोग मुझे मेरी तारीफें कर रहे हैं, लोग मेरे स्पीच को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज एडमायरिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज फैंटेसी। दिवास अपने देखने लगे, वास्तविक जगत में इतनी कटुता है, इतनी निगेटिविटी है कि उसमें रहने से व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसका ईगो पीड़ित होता है, वो क्या करता है फैंटेसी के वर्ल्ड में चला जाता है। और अगर फैंटेसी के वर्ड में नहीं जाता तो फिर बहुधा हम लोग जब हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं हम रिग्रेशन कर लेते हैं। अभी हम आपको मेरे ख्याल से कल दो जितना भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगी आपको रिग्रेशन और डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाने की। तो कल तो आपके दो पीरियड्स होते भी हैं ना शायद, है ना, तो देखती हूँ क्या करूँगी। हाँ तो मैं उसमें आपको रिग्रेशन पढ़ाऊंगी, डिफेंस मैकेनिज्म का थोड़ा सा बता दूँ तो आप समझ पाएंगे। जैसे हमारा अहम है, आपने ईगो सुपर ईगो पढ़ा था, तो ईगो जो है वो हर वो कोशिश करता है जो व्यक्ति के अहम को पीड़ा ना पहुंचाए, आहत ना करे, हर्ट ना करे, ऐसे काम करे। जैसे अगर हम फेल हो गए किसी चीज में तो हम कह देते हैं कि अरे हम फेल तो इसलिए हो गए ना कि हमने हमें तो दूसरी जगह भेज दिया था, हमें तो किताबें ही नहीं दी थी, हमारे तो एग्जाम में बीच में कॉपी छीन ली थी, है ना। तो इस तरह के हम एक्सक्यूजेस देते हैं जिसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन, वी रैशनलाइज अवर रॉन्ग डूइंग, अवर फेलियर के कारण हम रैशनलाइज कर देते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने मेहनत नहीं की, यह हमारा लेवल वो नहीं था जहाँ जो बाकी प्रतिद्वंदियों का था, हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी की गई, सो दैट हम ये इसलिए नहीं कहते हमें दूसरों को कन्विंस करना है, हमें दूसरों को तो कन्विंस करना है, हमें अपने अहम को भी पीड़ा पाने से बचाना है। सो यू वॉन्ट टू सेव योर ईगो फ्रॉम बींग हर्ट,
So what you do, a lame excuse you give to your ego, that since people were unjust towards you, they practiced favoritism, therefore you could not achieve your goal. होता है, ऐसे rationalize करते हैं. This is one form of defense mechanism, ego defense mechanism. समझ में आया? तो इसी तरह से हम लोग बहुत परिस्थितियां ऐसी होती है जो frustrating होती है, उनका सामना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं. तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं रिग्रेशन, पुनर्गमन. पुनर्गमन या रिग्रेशन, प्रोग्रेस जानते हो, प्रोग्रेस में क्या होता है, यू गो अहेड, रिग्रेशन में क्या होता है, यू गो बैकवर्ड. तो अब हम क्या करते हैं कि हम लाइफ की वो स्टेज जो पहले बीत चुकी है जिसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला था, हम उस स्टेज में वापस चले जाते हैं. तो अपनी एज से कम एज के व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगते. हमने अपने गोल के अचीवमेंट के लिए जो प्रयास किए थे उनको उनको फिर बेसिक स्तर पे आ जाते. वी रिग्रेस एंड दैट वे वी ट्राई टू एडजस्ट विद द फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, रिग्रेशन. अब जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये रिपोर्टेड केस है कि एक लेडी थी तो वो बहुत ऊब गई थी, हर बार चैलेंज चैलेंज चैलेंज, लाइफ में चुनौतियाँ चुनौतियाँ, कहाँ तक चुनौतियों को मीट करें, वो परेशान थी. अब गई ऑफिस तो देखा कि फिर कोई नई चुनौती आ गई. सडनली शी केम बैक, उसने अपने लड़कियाँ छोटे बच्चों को नहीं, जैसे ये सामने से बाल फ्रिंजेस वाले कट जाते हैं वैसे कटवा लिए, एक डॉल पकड़ ली और फ्रॉक तो वो लोग पहनते ही हैं पर बैठने का स्टाइल जैसे छोटे बच्चे केयरलेसली बैठते हैं वैसे कुर्सी पे बैठ गए. एंड शी वाज प्लेइंग विद डॉल और बिल्कुल बोल भी ऐसे रही थी जैसे छोटे बच्चे बोल रहे हैं. तो क्या हुआ कि फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में शी कुड नॉट कोप विद द चैलेंजिंग सिचुएशन. तो आगे तो टेंशन है, आगे तो स्ट्रगल है, आगे तो चुनौतियां हैं. तो उसने क्या किया, सेफ पीरियड व्हेन शी वाज चाइल्ड, उस स्टेज में. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिफेंस मैकेनिज्म, रिग्रेशन. आई बात हम डे ड्रीमिंग फैंटेसी, ये सब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे ईगो, देखो कितना अच्छा तरीका है, हमारा मन आहत ना हो, हमारा तो हमारे मन को आहत ना होने से बचाने के लिए भगवान ने बिल्ट इन सिस्टम बना दिए. और कोई ऐसा नहीं है हम में से जो इन सिस्टम्स का प्रयोग ना करता हो, इन मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं करता. आप लोगों ने किया है डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग, आप आज अभी जाए खूब चुनाव तनाव खूब चुनौतियों तनाव के बाद जाइए, जब घर जाएंगे तो यू फील लाइक कडलिंग विद योर मदर, है फादर से बिल्कुल बच्चों की तरह बात करोगे कि हमें ये दीजिए, हमें वो खिलाइए, हमें ये करिए. एंड दैट वे यू रिड्यूस द टेंशन क्रिएटेड बाई फ्रस्ट्रेशन. बहुत छोटी सी बात है पर हम लोग करते हैं रिग्रेशन, ऐसा नहीं है कि हम लोग रिग्रेस नहीं करते. तो रिग्रेशन से भी हम अपने फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते. और फ्रस्ट्रेशन की एक करेक्टरिस्टिक्स है कि ये नीड बेस्ड है, ज़रूरत पर बेस्ड है. अगर ज़रूरत सेटिस्फाई नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन होगा. एक बात और है, जितनी ज़्यादा आपके लिए वो गोल सिग्निफिकेंट है, वो लक्ष्य जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और उसकी प्राप्ति में बाधा आने पर उतना ही फ्रस्ट्रेशन होगा. द डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल बी इन प्रोपोर्शन टू द इम्पोर्टेंस यू अटैच टू अ गोल. बात समझ में आ रही है, आप किसी लक्ष्य को क्या महत्व देते हैं इस पर फ्रस्ट्रेशन की मात्रा निर्भर करेगी. मान लीजिए अगर आप कोई मैच लूज करते हैं क्वार्टर फाइनल में तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, नहीं होगा इन कंपैरिजन टू फाइनल. मेरी बात समझ रहे हैं ना, फाइनल मैच आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीग मैचेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अगर क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल में आप हार जाते हैं तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती, इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता. आपको कब फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है, जब द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल इज मोर फॉर देम. जितनी सिग्निफिकेंस है उतना ही आपको
फ्रस्ट्रेशन होगा। आप परीक्षा देते हो, मान लीजिए फाइनल एग्जाम में है और कोई मंथली टेस्ट है, तो मंथली टेस्ट में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते, डू यू गेट दैट मच फ्रस्ट्रेशन एज यू गेट व्हेन यू डू नॉट गेट गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स? अरे भैया माइक तो खोल दो, माइक तो मंथली टेस्ट में मैम इतना नहीं होता है। यस मैम, मंथली टेस्ट में इतना नहीं होगा, पर जब फाइनल्स में नहीं अच्छा कर पाएंगे तो जरूर मैम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और जो गोल जितना सिग्निफिकेंट है आपके लिए, जितना महत्वपूर्ण है, उसको प्राप्त न होने पर उतना ही आपको लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन खाली बाहरी लोगों पे नहीं होता कि बाहरी ऑब्जेक्ट पे, बाहरी पर्सन्स पे हो रहा है कि भाई दे ब्लॉक्ड आवर गोल, हमारा अपने से भी होगा। सबसे दुख की स्थिति तब होती है जब हम अपनी और अपने को कंडम करते हैं कि आई डिड नॉट मेक सफिशिएंट एफर्ट, मेरे प्रयास में कमी थी, मुझे ये करना था मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ, इसलिए मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ये भी एक करैक्टरिस्टिक है कि हम अपने को भी ब्लेम करते हैं। जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो एक तो गोल पूरा नहीं हुआ, ये आपको मालूम ही है, व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड योर गोल हैज नॉट बीन अचीव्ड, लेकिन हमारा जो वो मोटिव तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम फ्रस्ट्रेटेड है तो हम कोई और मोटिव भी पूरा नहीं करते, भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, है ना, सोशल एफ्लिशन, जो भी और मोटिव्स हैं उनको भी हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये मोटिव प्राप्त नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो हम और मोटिव्स को भी इग्नोर कर देते हैं। ये बात तो मैंने बताई थी कि भाई देखिए फ्रस्ट्रेशन किसको किस लेवल पे होगा, ये हर व्यक्ति की कैपेसिटी पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। अब आइए, हाँ बताइए बताइए, आप लोग जब बात पूछते हैं तो हमें सबसे अच्छा लगता है। हम लोग जब नाटक वाटक कराते थे कभी, तो ये होता था कि एक ही करेक्टर को बहुत सारे डायलॉग्स ना बोलवाओ कि 5 मिनट तक एक ही आदमी बोल रहा है, वो शेक्सपियर की सोलिलिटीज में होता है, एक ही आदमी 5-5 मिनट तक स्टेज पर बोले जा रहा है, ये खराब नाटक माना जाता है। तो ये भी एक जगह है नाटक की, एक ही स्टेज है जिसमें मैं ही बोलती रहूँ तो बहुत खराब। तो पूछिए क्या पूछते हैं आप, जो पूछते हैं तो वो मुझे बहुत प्रेरित करते, क्या पूछना है? फिर सबके माइक ऑफ दिख रहे हैं। अश्विया अभी तुम्हारा नहीं दिख रहा माइक ऑफ, तो चलो दीक्षा तुम्हारा भी नहीं दिख रहा, कुछ पूछो क्या पूछना है। चलिए कुछ नहीं पूछना है, अच्छा अब प्रश्न उठता है फ्रस्ट्रेशन के क्या कारण होते हैं। तो पहली बात तो आपको पता ही है, फ्रस्ट्रेशन है क्या, लक्ष्य मोटिवेटेड गोल के अचीवमेंट में जो ब्लॉकिंग है उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होता है। अब फ्रस्ट्रेशन के फिजिकल कॉजेस हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाई, अभी आधी बनी थी और भूकंप आ गया, आज स्लैब डाला, रात में पानी बरस गया, आपने बिजनेस में के लिए दुकान में माल भरा, पता चला सोशल अनरेस्ट हो गया, युद्ध छिड़ गया, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, तो नेचुरली दीज आर द सिचुएशन व्हिच आर कॉज्ड बाय गया, क्या कहा? हां मैं भूकंप आ गया, हां भूकंप आ गया। अब आपने खूब सारा अपना योजना बनाई कि मैं ये करूंगा और उस साल खेती से काम चलता अपना, तो उस साल पानी नहीं बरसा या इतना बरसा कि खेती में कुछ पैदा ही नहीं हो पाया, तो दीज आर द फिजिकल कॉसेस विच कॉज फ्रस्ट्रेशन।
उसके बाद बहुत से सोशल कॉजेज भी हैं, हमारे यहाँ कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, टैबूज हैं। आप विश्वास करिए कि मैं भी को एजुकेशन में पढ़ी, पर हमारे टाइम में इतनी फ्रीली हम लोग लड़कों से बात नहीं करते थे, जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर एट दैट टाइम देयर वाज अ बिट इनिबिशन। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बोलना तो पड़ता ही है, ये तो हो नहीं सकता नहीं बोले, और बहुत ज़्यादा नहीं कि हम साथ जा सकें, साथ आ सकें, ऐसा कुछ नहीं था, और हर लड़की उसको ऑब्जर्व करती थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ आप लोग आपस में खूब अच्छे से फ्रेंक हो, ये अच्छी बात है, मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ। लेकिन मान लीजिए एक बच्चा है जो ये चाहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करे, अब उसके पेरेंट्स कहते भाई हमारे यहाँ तो हमारी जात के बाहर शादी नहीं होती, हमारे यहाँ तो लव मैरिज का कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो पेरेंट्स सेटल करते हैं और हमारे ट्रेडिशंस ऐसे नहीं हैं, या अगर आप चाह रहे हैं कि दो दिन घूम के आए गर्लफ्रेंड के साथ तो आपके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे कि भाई दीज थिंग्स आर नॉट परमिसेबल इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी, ये टैबूज हैं, इनिबिश। तो अब कस्टम और ट्रेडिशन इसके खिलाफ है तो आप क्या करेंगे बताइए, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, होंगे फ्रस्ट्रेट, तो सोशल कॉजेस से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अभी वो एक सीरियल आ रहा है ना अहिल्या बाई का, तो उसमें वो पढ़ना चाहती एंड इन एट दैट टाइम इन सोसाइटी पढ़ना लेडीज के लिए मना था। तो जो किंग तो नहीं थे वो सूबेदार थे, तो पर अच्छी पोस्ट होती है, मालवा के पूरा उनके पास था, तो उन्होंने कहा कि मैं अहिल्या उनकी बहुत ही कहने लगी मैं उसको पढ़ाऊँगा। She was 9-10 year old. She was keen to study. But society में सब ने ना कर दिया कि लेडी है वो पढ़ नहीं सकती, है ना। अब आप उसकी इच्छा है, पर because of social customs, because of social factors, उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती और frustrated इसमें हो जाती है। लेकिन वैसे मैं बताई कि ज़्यादातर social customs और taboos जो हैं वो आप कि उनको आप अगर ऐसा गोल है तो आपको बाधित करते हैं, उसको पूरा नहीं होने देते। इसके अलावा देखिए ये इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक लड़की बहुत अच्छी थी ड्राइंग में मेरे कॉलेज में, तो मैंने कहा तुम इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते थे तुमने ड्राइंग क्यों नहीं की, तुम तो एक्सेल करते, तुम कहाँ की कहाँ जाते। बहुत धीरे से बोली, कहने लगी मैम ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत पैसा खर्च होता है, इतने कलर्स इज ये वो, और उतना खर्चा मेरे पेरेंट्स नहीं था। तो एम्बिशन इज देयर, गोल इज देयर, बस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉजेस वो नहीं करता। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों ने फिजियोथेरेपी ली, अगर आप लोग थोड़े डोनेशन दे देते तो कॉलेजेस हैं जहाँ आपका एडमिशन हो जाता डॉक्टरी के लिए, तो एक का तो हो ही जाता है ना। तो कई बार हमारे जो गोल होते हैं हमारे आर्थिक स्थिति के कारण वो अचीव नहीं होते और फ्रस्ट्रेशन अधूरे रह जाते हैं। हाँ अधूरे रह जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अब आपका मन है कि कॉलेज में एक बहुत इलीट ग्रुप है जो बहुत पैसा खर्च करते हैं, सब मेंबर्स उसके बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और हमेशा खर्चा करते हैं, एंड यू वांट टू मूव विद देम। अब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बट इतने फाइनेंशियल आपके पास नहीं है जो आप उनको उनके साथ मूव कर सके, उतना खर्च कर सके। अब ऐसे ही है जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, जो फ्रस्ट्रेट करते थे। मुझे कई बार याद आता है कि मेरे कॉलेज में बहुत पीसीएस के एग्जाम्स होते थे, बड़े बड़े एग्जाम्स ये सब होते रहते थे हमारे कॉलेज में जहाँ हम थे प्रिंसिपल। तो वहाँ एक रोज पीसीएस का एग्जाम था, तो एक लड़का कहीं फतेहपुर के आसपास से आया था, तो आया तो एक तो वो लेट हो गया क्योंकि जिस ट्रेन से आया था वो ट्रेन लेट हो गई। फिर वो मेरे कॉलेज में आके खड़ा हुआ, कहने लगा ये मेरा नंबर है। टीचर्स दौड़ती मेरे पास आई कि एक नया कैंडिडेट आया है, मतलब एक सर्टेन टाइम है जिसमें हम उनको प्रवेश दे सकते हैं, उसके बाद हम ऑथोराइज नहीं है प्रवेश देने के, कंप्लेंट हो जाए तो कोई परेशानी होती है।
तो खैर वो टीचर आई मेरे पास, तो मैंने कहा कि अभी तो टाइम है, चलो तो इसको इंटरव्यू दे, देखा जाएगा, बोनाफाइड है बच्चा, ट्रेन लेट हो गई वो भी क्या करे। अब वो आके जब बैठ गया, अंदर आ गया, अब अंदर आ गया तो हम कह कि टीचर बोली इसका तो अपने यहाँ परीक्षा ही नहीं है, हमने कहा इसकी परीक्षा अपने यहाँ नहीं है, नहीं तो पता चला कि वो रोल नंबर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे कॉलेज के नाम से एक मिलता जुलता नाम है उसका। अब हमने हमारे पास हमें तो इतना खराब लगा, लोग सालों इंतजार करते हैं तो पोस्ट निकलती है तो आदमी कर पाता है अप्लाई है? और फिर मैंने अपने क्लर्क से कहा, ऑफिस क्लर्क से, हमने कहा जाओ तुम इसको स्कूटर पे बैठा के उस कॉलेज में छोड़ दिया। अब वो हम आई मेड माई बेस्ट एफर्ट कि स्टूडेंट को किसी तरह का नुकसान ना हो, और ऐसे बोनाफाइड स्टूडेंट्स को बहुत नियमों में बांधती नहीं है, सही अगर है तो मैं नियम में नहीं बांधती, और बेईमानी में इतने पैसे कि किसी बच्चे को करने नहीं देती मेरे रहते। तो खैर वो उसको वहाँ पहुँचाया, जो कि वहाँ वो लेट हो गया, he was not permitted to appear in the exam, and think how frustrating this situation is. So sometimes situations are beyond our control. इतनी हमारे control के बाहर हो जाती है। अभी मेरी जान पहचान की एक लड़की ने, ये हाइड्रोपोनिक खेती नहीं होती है जिसमें पानी से खेती होती है, जमीन से नहीं होती है, तो उसने बहुत पैसा खर्च किया, और बहुत पैसा खर्च करके अब उसका एक गेस्ट हाउस था उसी में उसने वो सब लगाया, और जब वो फल आने शुरू हुए तो होल फैमिली वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ये जो सेकंड वेव आई उसमें कोरोना था। उसकी इतनी मेहनत थी, इतने मेहनत से उसने छोटे स्केल, मतलब गेस्ट हाउस का आधा पोर्शन लेके, अपने ही गेस्ट हाउस का आधा पोर्शन लेके किया था, लेकिन हाउ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ यंग गर्ल जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे फ्रस्ट्रेट हो। तो दे आर कंडीशंस विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप उसमें कुछ नहीं कर पाते और आपको सहना पड़ता है। तो कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या बताया, फिजिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, कॉजेज विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। परिस्थितियों में तो ये है ही है बातें जो मैंने आपको बताया कि परिस्थितिवश बहुत बार हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन बहुत बार जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो हमें अपने कारण भी होता है। जैसे एक बच्चा चाहता है कि वो आर्मी में जाए, वो आर्मी को सर्व करे, पर उसके पैर नहीं। अब वो गया, कहने लगा कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आप ले लीजिए, तो उसने कहा तुम्हारे पास पैर नहीं है, तो कहना है मुझे गोली से दुश्मन को मारना है, मुझे दौड़ना थोड़ी ना उनके साथ। इतना वो डिटर्मिन था कि उसे आर्मी समय सर्व करना है, लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट में तो वो आ ही नहीं सकता था, है ना, किसी और विंग में काम कर ले, लेकिन वो आर्मी में काम नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स में कुछ दोष होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ दोष होते हैं, तो उन दोषों की वजह से अपनी एम्बिशंस को वो पूरा नहीं कर पाते और लाइफ उनकी फ्रस्ट्रेशन में बीत जाती है। जैसे आप पायलट बनना चाहते हो, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो, और किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, उसे रंग नहीं दिखते, जानते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस, आप लोग जान सुना? यस मैम, यस मैम। अगर आप लोग कलर ब्लाइंड, अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है तो कैसे पायलट बन सकता है, कैसे ट्रेन का ड्राइवर बन सकता है, कैसे अच्छा पेंटर बन सकता है? बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत फिजिकली कॉन्स्टिट्यूशनली वीक है, अब वो कोई ऐसा कोर्स ऑप्ट कर ले जिसमें बहुत परिश्रम है, घंटों आपको काम करना पड़ता है, तो वो उस कोर्स को ऑप्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एबनॉर्मेलिटी और if they lack in their capacity to function as a normal person, तो physical abnormality होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बड़ी conflicted desires होती है, हमारी जो इच्छाएं वो ऐसी हैं कि हम दो चीज चाह रहे हैं और दोनों चीज तो आपको नहीं मिल सकती।
अ गर्ल वॉन्ट्स टू गेट मैरिड एज वेल एज शी वॉन्ट्स टू रिटेन हर इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम. टू सम एक्सटेंट योर फ्रीडम विल बी कर्टेल्ड इफ यू गेट मैरिड. ऐसा तो नहीं हो सकता कि शादी भी करो और आपके ऊपर कोई बंधन ही ना हो, आप जो चाहे कर सकते. मैम कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अब आपको दोनों चीज चाहिए, अब एक लेते हैं तो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, अब दूसरा लेते हैं तो पहला कॉन्फ्लिक्ट, है ना. आप भविष्य के लिए पैसा भी बचाना चाहते हैं और आप वर्तमान में खूब ऐश से रहना भी चाहते हैं. ये क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स है ना, तो दे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन. दूसरा है जैसे वो लोग जिनकी बहुत हाई मॉरल्स होते हैं, बहुत उच्च नैतिक स्तर के लोग हैं, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि वो परिस्थिति से समझौता करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो नीति से बढ़ना चाहते हैं, वो नियम से बढ़ना चाहते हैं. और नीति नियम से बढ़ने में कई बार ऐसा होता है कि आपको परेशानी होती है. मान लीजिए देयर इज अ ग्रुप ऑफ बॉयज होम यू लाइक मोस्ट, लेकिन परेशानी ये है कि दे ड्रिंक दे स्मोक, उनके अदरवाइज भी इंटरेस्ट है. अब आप तो बहुत हाई मॉरल्स आए हैं, आपको लगता है ड्रिंकिंग इज अ वेरी बैड हैबिट, स्मोकिंग इज अ वेरी बैड हैबिट, एंड यू हैव टू एडजस्ट इन दैट ग्रुप. You will feel it difficult. You won't be able to adjust, and frustration is likely to come in your life. गलत कह रही हूँ? बहुत high morals है, principles है, हाँ? तो तुमसे भी समझौता करना बड़ा मुश्किल होता है. किसी को कोई कह भी दे कि नकल कर लो, तो वो आदमी नहीं करेगा अगर high morals वाला. हो सकता है उसकी position चली जाए, उसकी division. मतलब बहुत ज्यादा नकल से तो मैं नहीं सोचती कुछ मिलता है. जितने नकल करते हैं एक जगह नहीं तो दूसरी जगह धोखा खा के अपना एवरेज बराबर कर लेते हैं और नुकसान में चले जाते हैं. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक. और ये होता है जो क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, ये भी बात होती है. जो चीज आप ले नहीं पाते तो आप उसको गलत ही बताते हैं. अच्छा फिर है हमारी फ्रस्ट्रेशन का कारण कि हम जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी टैलेंट है, हम उससे बहुत ऊपर के गोल बनाते हैं. तो हमारे गोल और हमारा अचीवमेंट लेवल में बहुत डिफरेंस हो जाता है. अगर गोल आप रियलिस्टिक बनाए, है ना, अगर वास्तविकता से संबंधित गोल्स बनाए तो आपको सुविधा होगी. अब मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक है, बीए पास आईएएस में बैठ जाता है, ये सही है, पर आपकी पढ़ाई लिखाई जनरल नॉलेज आईएएस के लायक नहीं है. और आप कहें मैं तो आईएएस ही बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगा. आई हैव सीन अ बॉय जिसने लाइफ में ये कहा कि मैं आईएएस ही बनूंगा, वो कितनी बार बैठे, वो हमसे बड़े थे, तो कितनी बार बैठे कितनी बार नहीं आए, अल्टीमेटली वो एक नौकरी ढूंढ नहीं पाया. थोड़े टाइम उन्होंने एक वो बोली ना कोचिंग सेंटर एक कमरे में चला लिया, लड़कियाँ यहाँ हाई स्कूल इंटर की पढ़ाते रहे, एंड आफ्टर दैट ही गॉट मैरिड. और ये एक छोटा सा जनरल स्टोर टाइप नहीं होता मोहल्ले में, डबल रोटी मक्खन दूध दूध बेचने का, फ्रस्ट्रेट होके अंत में उन्होंने उससे. तो हम लोग अगर लक्ष्य अपने ऐसे बनाए तो अचीवेबल, ये नहीं कहती कि लक्ष्य एकदम जो मुट्ठी में आ जाए उसे ही लक्ष्य बना ले, नहीं. यस मैम, यस मैम, है ना. लक्ष्य तो अगर ऐसा होता तो भगवान हेवन मुट्ठी में दे देते, नहीं देते ना. बिकॉज यू टू अचीव इट, कुछ प्रयास करिए, कुछ आगे बढ़िए. बट इतना ऊंचा बना देना कि आप उसको स्पर्श ना कर पाए तो दैट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन ओनली. क्या और देगा, वो फ्रस्ट्रेशन ही देगा. तो क्षमता से बहुत अधिक आकांक्षा का स्तर बना लेना, क्या होता है कि वो आकांक्षाएं खंडित होती हैं और फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है. अब एक बच्चा है भाई, देखिए आपकी हर एक की मेंटल कैपेसिटी अलग अलग, वो ज़्यादा टाइम पढ़ नहीं सकता है, उसको फिजिकल एलिमेंट है, वो बुद्धि में साधारण है, हैं, उसके पास घर में पढ़ने की सुविधाएँ भी बहुत कम हैं. अगर वो सोचे कि मैं क्लास में टॉप आऊँगा, टॉप आऊँगा, टॉप आऊँगा,
उसको रियलिस्टिक गोल बनाना चाहिए, मैं सेकंड डिवीजन लाऊंगा, मैं फर्स्ट की कोशिश करूंगा और मैं टॉप आऊंगा, इज टू मच फॉर यू। और उसका तो हम लोगों को तो कोई ऐसा है ही नहीं, हमारा पुराना रिजल्ट हमें कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों स्थिति में ले आते कि हमने कितना अचीव किया। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर एस्पिरेशन, ओवर एस्पिरेशन। परेशान रहते हैं, टेंस रहते हैं, जानते हैं हम बहुत ज्यादा एस्पायर कर रहे हैं, पर बस मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो फरारी चाहिए, मुझे तो BMW ही चाहिए, मैं साधारण गाड़ी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अब क्षमता नहीं, आप अगर उससे ज्यादा लक्ष्य रखेंगे तो देट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। फिर है, कई बार ऐसा होता है कि हम तो लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रख लेते हैं, दो चार दिन बड़ी बहुत परिश्रम कर लेते हैं, पर अपेक्षित परिश्रम नहीं करते, जिसकी वजह से फिर हमें असफलता होती है और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत बार हमारे बहुत से अनरिलेटेड नीड्स हो जाते हैं, जैसे हम चाहते हैं हम इंजीनियर बने, ठीक है आप इंजीनियर बनिए, और हम चाहते हैं हम इंजीनियर बने लेकिन हम अमेरिका से स्टडी करें, हम चाहते हैं हम IAS बने पर हम लखनऊ दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट से IAS की ट्रेनिंग ली, हम चाहते हैं हम फिजियोथेरेपिस्ट बने लेकिन आकांक्षा का स्तर ये कम से कम 5 लाख रुपया महीना कमाए, दैट इज गोइंग टू गिव यू फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज अभी तो इतना कोई स्कोप है नहीं, और किसी तरीके से आप कमा सकते हैं, आप में क्षमता हो सकती है, पर इस प्रोफेशन से आप 10 लाख रुपया महीना कमाने की सोचे, आई डोंट थिंक, कहीं मैं आपको निराश हताश तो नहीं कर रही हूँ? नो मैम, नो मैम, अब आपको मैम कर रही है थोड़ा थोड़ा, हाँ अब आपको मकान चाहिए, यू कैन हैव अ हाउस एनीवेयर, पर मुझे स्वरूपी नगर में चाहिए, मुझे सिविल लाइन्स में ही चाहिए जहाँ जमीन की कीमतें इतनी हाई है, तो ये जो आप रिलेटेड नीड्स लगा देते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनसे आपकी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि रिलेटेड नीड्स के कारण आपकी जो मेन इच्छा है वो भी प्रभावित हो जाती है। ठीक, इच्छा है हमें मकान बनवाया, ठीक है, पर हमें मकान बनवाना है तो 1000 गज पे ही बनवाना है, हमें मकान बनवाना है तो हमें स्वरूप नगर में ही बनाना है, हमें मकान बनवाना है तो 4 फ्लोर्स का बनवाना है। ये जो हम रिलेटेड इच्छाएं लगा देते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे नीड्स को थॉट करती हैं और हमें फ्रस्ट्रेशन की ओर ढकेल देती है। अच्छा मान लीजिए कि आप किसी को फ्रस्ट्रेशन है, आपके पेशेंट को फ्रस्ट्रेशन है, आप कहेंगे हर बार ये मेरे पेशेंट ले आती हैं, साइकोलॉजी पढ़ाइए जाइए, लेकिन नहीं ऐसे नहीं, आपका एप्लीकेशन तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि आपकी अपनी लाइफ में भी एप्लीकेशन है। इफ वन इज फ्रस्ट्रेटेड तो क्या कर सकते हैं? मेरी समझ में तो जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल हो, तो सबसे पहले 2 लंबी गहरी सांसें लीजिए और जहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ है उस स्थान से दूर किसी और एक्टिविटी में लग जाइए। घर से के कुत्ते से खेलिए, घर में बच्चा है उससे खेलिए, घर में कुकिंग करने लगिए, घर के बाहर निकल के फ्रेंड से मिल लीजिए और अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। और मैम हंसना भी चाहिए मैम को। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन में हंसना चाहिए। अच्छा जी, चलिए खांसी। अब वहाँ से टहलिए बहलिए, खाना बनाइए खाइए, एंड डोंट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द कॉज ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन। अब वहाँ से लौट के आइए थोड़ी देर बाद, अब आप क्या करिए कि अपनी प्रॉब्लम पर नए सिरे से विचार कीजिए, नए नज़रिए से अपनी प्रॉब्लम को देखिए, सोचिए कि मेरे फ्रेंड्स या लाइफ में जो लोग मेरे सामने सक्सेसफुल हैं वो अगर इस परिस्थिति में होते तो कैसे रिएक्ट करते, क्या करते। आपको अपनी प्रॉब्लम में इधर उधर की बात नहीं सोचनी है, यू जस्ट डिफाइन योर प्रॉब्लम इन वन सेंटेंस।
मैं भूखा रहा, मैं खाना नहीं खा पाया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पैसे उधार दिए, मेरे फादर ने मुझे समय से फीस नहीं भेजी, मुझे बहुत ह्यूमिलेशन सहना पड़ा। इतनी सब बातों की जगह सिर्फ प्रॉब्लम आपकी क्या है कि फादर ने टाइम से रुपए नहीं भेजे, यही तो प्रॉब्लम है। आपने क्या क्या सहा, क्या क्या किया, इज अ मैटर। द प्रॉब्लम इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज दैट योर फादर डिड नॉट सेंड यू फीस ऑन टाइम, ठीक ना। तो इधर उधर की बातें आप बिल्कुल नहीं सोचिए, और आप क्या करेंगे कि खाली उस प्रॉब्लम को सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम है एक सेंटेंस में, क्योंकि तो अगर भूत की सारी कहानी आप याद करने लगे तो फ्रस्ट्रेशन तो रिवाइव हो जाएगा, पुनर्जागृत हो जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भगाना। आपने एक सेंटेंस में मेरी ये प्रॉब्लम, अब आपके जो प्रॉब्लम है उस पर आप रियलिस्टिकली बिल्कुल ईमानदारी से वास्तविकता के आधार पर विचार कीजिए कि ठीक है मेरे फादर ने मुझे टाइम से फीस नहीं भेजी, हो सकता है वहाँ बिजनेस ठीक ना चल रहा हो सकता है उन्हें कोई पैसे की प्रॉब्लम हो, है? और उनको मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, आपने डिसीजन लिया कि मैं उनको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और ये अगर हर महीने का फीचर वही है, हर बार ही लेट हो जाते हैं, तो मैं तो एक ट्यूशन कर लेता हूँ, मैं अपने टीचर से बात करता हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या मुझे कहीं यहाँ पर ट्यूशन मिल जाएगी या कोई ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिससे कि मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ बिना व्यवधान। अब जो आपने निर्णय लिया है उस निर्णय पर अडिग रही, अब ये इधर उधर की बात मत करिएगा, अब जो आपने लिया है निर्णय उस पर अपने को फिक्स कीजिए। फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप एक्शन लें, है ना। अगर आप सही एक्शन लेंगे तभी होगा। अगर आप दीवा स्वप्न में चले गए, अरे मेरे फादर ने तो इतना लाख रुपया भेज दिया, मुझे तो 10,000 देना था, मैं 10 फ्रेंड्स को दे रहा हूँ कि भैया तुम अपनी समस्या में ले लो, तुम अपनी समस्या में ले लो, तुम अपनी समस्या में ले लो, सबको मैं मदद कर रहा हूँ, अगर आप इस फैंटेसी में पड़ गए तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। समझ रहे मैम, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप समस्या के समाधान का जश्न मनाइए कि मैंने फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को सॉल्व कर लिया, मैंने उसको ओवरकम कर लिया। प्रतिदिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ लीड करें जिसमें फ्रस्ट्रेशन की कमी हो, तो टेक प्रॉपर रेस्ट, स्लीप और डाइट, अच्छे से खाएं और अच्छे लोगों की कंपनी में रहें। और मैम खुश रहें और खूब हंसे। हाँ खूब हंसे। और ऐसे लोग जो आपकी कैपेबिलिटी पर डाउट करते हैं, जो आपके अंदर निगेटिविटी लाते हैं, उसको बिल्कुल नहीं सहे, है ना। आपको जब समस्या पर विचार करें तो अपने को भी ब्लेम ना करें, दूसरों को भी ब्लेम ना करें, बिकॉज दैट कॉजेस निगेटिविटी। हमें क्या करना है, हमें निगेटिविटी से दूर रहना है, अपने फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है और अपने फ्रस्ट्रेशंस को दूर करना है। माने आगे तक कभी भी आपको फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो दो नहीं, आया क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ टेक 2-3 डीप ब्रेथ्स। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, काउंसलिंग ले सकते हैं आप। आप मेडिटेशन 2-3 डीप ब्रेथ कीजिए, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को छोड़ के कहीं निकल लीजिए, घूम आइए। अच्छा और क्या, घर में छोटे बच्चे उनसे खेलिए, उनसे हंसी मजाक करिए, घर में कुत्ता है तोता है उससे बातचीत करिए, घर में नौकर है दाई है अम्मा है उनसे बात करिए, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के बारे में मत करिए। उसके थोड़ी देर बाद आप आइए, विचार कीजिए अपनी समस्या पे, है? समस्या पर विचार कीजिए, दो दर की बातें मत सोचिए, मेरी समस्या क्या क्या है, एक सेंटेंस में मेरी समस्या क्या है, और उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे यहाँ इंसल्ट कर दी, ये सब सोचेंगे तो फ्रस्ट्रेशन से कभी नहीं निकल पाएंगे। लीव पास्ट, लीव फ्यूचर, लीव इन प्रेजेंट, फ्रस्ट्रेशन से दूर होने का ये सबसे बड़ा डिसीजन लीजिए, उसको
उसका पालन कीजिए और लाइफ को एक हेल्दी रूटीन बनाइए जिससे आपके फ्रस्ट्रेशंस कम। और बताइए और क्या कर सकते हैं आप लोग? मैम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं लाइक रनिंग और वॉकिंग वगैरह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितनी फिजिकल एक्टिविटी है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपको टेंशन फ्रस्ट्रेशन से दूर करती है। अब एक जो सिंपल आदमी होता है, एक साधारण आदमी जो होता है, सिंपल मीन साधारण, एक नॉर्मल एवरेज आदमी जो होता है, वो जब फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में पड़ता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि कोशिश करता है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, प्रयास करे कि अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उन्हें कैसे दूर करे। फिर जब वो पढ़ता है तो वो क्या करता है कि ठीक है मैंने 90% का गोल बनाया था, मुझे नहीं अचीव हुआ, अब मैं एनुअल एग्जाम के लिए 80% या 70% का गोल बनाऊंगा। He made a compromise. उसने देखा कि गोल अटेन नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो फ्रस्ट्रेशन से कम्प्रोमाइज करने के लिए उसने क्या किया कि अपने को कम्प्रोमाइज कर लिया कि मैं चलो इतना कर लूंगा, मैं 10,000 रुपया महीना कमाना चाहता था, चलो मैं 8 नहीं, मेरा कम्प्रोमाइज। एक तरीका हो सकता कि हम विड्रॉ कर लेते हैं, हम परिस्थिति से ही विड्रॉ कर लिए कि हम इस रेस में ही नहीं, ना सेमीफाइनल ना फाइनल, कोई दुखी नहीं है बिकॉज आई हैव विड्रॉन माई सेल्फ फ्रॉम फुलफिलिंग माई नीड। समझ में आ रही बात? तो इससे भी हम फ्रस्ट्रेशन को नॉर्मल आदमी एवरेज आदमी विड्रॉ करके एडजस्ट कर लेते हैं। एक और तरीका है जिससे हम कर लेते हैं, हम सबमिट कर देते हैं। अब भाई हम बहुत चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, टीचर ने हमें इतने नंबर दे दिए तो हम ऐसे इसी को मान लेते हैं कि हम इसी लायक हैं, हम इसी को मान लेते हैं और फ्रस्ट्रेशन हम अपने मन में नहीं लाएंगे। होता है ना बहुत लोग जो हैं कि जो मिल गया उससे ही खुश है। देखो ना हाई स्कूल का रिजल्ट निकलता है, कितने बच्चे जो हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं उसके बाद फेल होने का, कितने गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं पुल के पास, कितने जो हैं कहते हैं कि भाई हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए या हम फेल हो गए तो अब हम सब्जेक्ट बदल लेते हैं, सब्जेक्ट सही नहीं, कुछ सोचते नहीं, आई डिड नॉट वर्क हार्ड आई शुड हैव वर्क हार्ड। एक जाते जाके टीचर को पीटते, एग्जामिनर को पीटते, तूने पढ़ाई कुछ नहीं था है ना, स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। मैम नावेद भी गए थे मारने ना, वेट नहीं करेगा कभी ऐसा, ना एग्रेशन अपने प्रति ना दूसरों के प्रति, बिकॉज एक एवरेज आदमी, एक हेल्दी आदमी ऐसे नहीं करता है, पर हर आदमी हेल्दी है ये तो नहीं हो सकता है। और जब आप फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में हैं, आप टेंशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, तो दैट इज नॉट अ नॉर्मल स्टेज ऑफ योर माइंड बॉडी, तो इसमें अगर किसी ने कर दिया तो एक्सक्यूजेबल है बिकॉज ऑफ एजुटेशन इन साइड हिज बॉडी। चलिए अब एक सिंपल आदमी तो ये करता है, जो वायलेंट होता है वो क्या करता है, दूसरे को पीटाता है ने? और अगर वो दूसरे को कहा सुनी कराता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दूसरे को पीटना भी आसान नहीं होता, टीचर के पास जाओगे तो वो दो लगाएगा, अब क्या करूं, तो वो क्या करते हैं इनडायरेक्टली अपने एग्रेशन को निकाल लेते हैं, टीचर से नहीं लड़े अपनी छोटी बहन से लड़ती है, अपने छोटे भाई से लड़ती है, अपने कमजोर सिर्फ एक बात है जवाब को, जब तुम्हें इतना क्रोध आता है तो किसी मोहल्ले के दादा से लड़े नहीं, कॉलेज के प्रिंसिपल से लड़े नहीं, टीचर से लड़े नहीं, किससे लड़े, अपने बेचारे कमजोर साथियों से।
यस मैम, जैसे जैसे मैम बाहर जो है मैम लोग होते हैं रोड वगैरह पे, वो मैम कभी मैम कार वालों से नहीं लड़ेंगे मैम, वो जो है ट्रक वालों को जो है रिक्शे वालों को ऐसा करते हैं मैम। बिकॉज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, गुस्सा तो आ रहा है कार वालों को कि 50 लाख की गाड़ी लेके जा रहे हैं और इतने रईस हैं और ये है। यस मैम, यस मैम, उससे भरा हुआ है। अब निकालेंगे किसमें, हमारे पास तो छोटी सी गाड़ी थी, हमारा कुत्ता कहीं था, तो हम सुनते थे लोग कहते थे कुत्ते के भाग्य देखो, कुत्ते के भाग्य देखो, मतलब उनको गाड़ी से शिकायत है कि गाड़ी में कुत्ता बैठा है तो हम नहीं बैठ पा रहे। चलिए उसके बाद है, हम जो हैं कभी बाहर वालों से लड़ते हैं, फिर कभी कभी हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, क्या हो गया भाई, सॉरी हम पता नहीं कैसे लीजिए, लगता नहीं आवाज हो पाएगा, बहुत थोड़ा सा पांच